नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो इस चैनल का और इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। जो भी इस चैनल पर कॉन्टेंट रहेगा दोस्तों, वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, और जो भी इस वीडियो में मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, मेरी आप सभी व्यूअर्स से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्यूज़ के ऊपर आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों, वो मेरा एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एवरेज टर्न ओवर और क्लोजिंग प्राइस का ग्राफ है। यहाँ पे टर्नओवर जो है दोस्तों, वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है दोस्तों, और निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो है दोस्तों, वो भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इसका सिंपल से कंक्लूजन ये है दोस्तों, जो अब मूव आया है वो अभी टर्नओवर सपोर्टेड है। दोस्तों, अगर हम एडवांस जो डिक्लाइन रेशियो देखते हैं दोस्तों, आज मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स ने एडवांस किया है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं आज का जो मूव है दोस्तों, वो एवरेज टर्नओवर अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो मूव है दोस्तों, वो वॉल्यूम सपोर्टेड है। दोस्तों, अगर हम FII DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें दोस्तों, FII इस मंथ भी दोस्तों नेट सेलिंग की है दोस्तों, और DII जो है दोस्तों, वो नेट बायर्स है। दोस्तों, अगर हम मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं FII जो है दोस्तों, वो नेट सेलर्स है, DII जो है दोस्तों, नेट बायर्स है। क्लाइंट्स जो है दोस्तों, वो नेट बायर्स है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड्स जो है दोस्तों, नेट बायर्स है। दोस्तों, अगर हम पार्टिसिपेंट वाइज नेट पोजीशन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं FII प्रॉप टेस्ट इंडेक्स ऑप्शन दोस्तों, वो बुलिश है। DII और क्लाइंट जो है दोस्तों, वो बेरिश है। अगर फ्यूचर इंडेक्स की बात करें दोस्तों, FII DII जो है दोस्तों, वो बुलिश है। प्रॉप टेस्ट और क्लाइंट जो है दोस्तों, वो बेरिश है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख पाते हैं इन द मनी कॉल साइड और इन द मनी पुट साइड में दोस्तों, 201 पोजीशन क्लोज हुई है दोस्तों। तो ये हमें संकेत दे रहा है दोस्तों, कल मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड है दोस्तों, वो प्रीमियम मीटिंग दे रहे हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दोस्तों, रेंज बाउंड रहेगी। अब ये मार्केट की रेंज देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देखा जाए 17,000 के ऊपर आपका अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप है दोस्तों, और यहाँ पे 17,400 पे दोस्तों आपका रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर भी आती दोस्तों, मैक्सिमम वो दोस्तों 17,300 के आसपास आ पाएगी दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसके ऊपर के प्रीमियम्स देखें दोस्तों, वो सारे अभी सिंगल डिजिट हैं। जो भी ये 17,400 की पोजीशंस है दोस्तों, ये रियल पोजीशंस नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये हेज वाली पोजीशंस है दोस्तों। यहाँ पे जो कॉल रेटिंग वगैरह की है दोस्तों, ये अपने क्लाइंट्स ने किए दोस्तों, और जो अपने पुट शॉट्स किए हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो कॉल बाइंग हुई है 17,300 के आसपास दोस्तों, ये अपने FIIs ने किए दोस्तों। अगर मान लो कल को यहाँ पे मार्केट यहाँ पर ऊपर भी आती है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपने लॉन्ग पोजीशन का प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा दोस्तों, और बाकी सारे अपडेट्स दोस्तों आप इंडिकेटर के बेसिस पे भी ले सकते हो, मतलब ट्रेड जो भी आपको लेना है, या फिर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको करना आता है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो आप नीचे दिए गए यहाँ पे जो पुट बाइंग की जो पोजिशन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पुट बाइंग की पोजिशन दोस्तों, ये अपने क्लाइंट्स ने वगैरह बनाई है दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था दोस्तों। अगर हम यहाँ पे आज के ट्रेड की परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, आज निफ्टी जो है दोस्तों, एक्जैक्टली अपने बुल जोन के ऊपर ओपन हुआ था दोस्तों। ये जो पहली कैंडलेस हो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास चले गई, यहाँ पे अपना कोई ट्रेड नहीं बन रहा था दोस्तों। अगर हम यहाँ पे वेट करते दोस्तों, इस वाले बाउंस के पास हमारी एक एंट्री बन रही थी दोस्तों, यहाँ पे बुल जोन के पास हम एंट्री लेते दोस्तों, और हमारा ये वाला टारगेट होता T1 जो यहाँ पे ऑलरेडी हिट हो गया दोस्तों, और थ्रू आउट द डे निफ्टी में तो कोई एंट्री नहीं बनी। फिर से हमें यहाँ पर एक एंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों एंड ऑफ द डे पे। यहाँ पे हम देख पाते दोस्तों, वापस से सेम मार्केट ने बुल जोन लेवल से बाउंस किया दोस्तों, और वो ऑलमोस्ट लाइक मार्केट तो यहाँ पे टारगेट टच नहीं कर पाया दोस्तों, बट वो ऑलमोस्ट अपने T1 के पास चले गई है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस बात करें दोस्तों, तो बुल जोन का लेवल निकल के आ रहा है 17,210। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है दोस्तों, उसका पहला टारगेट होगा 17,250 फॉलोड बाई 17,320।
दोस्तों अगर हम पेड जोन की बात करें, दोस्तों अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसको 17,130 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ए टारगेट ऑफ 17,090 फॉलोड बाय 17,020। दोस्तों इस वीक के लिए जैसा हमने ऑप्शन चेन में भी डिस्कस किया था, 17,000 का लेवल जो है दोस्तों आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और 300 का लेवल जो है दोस्तों वो रेसिस्टेंस का भी काम करेगा यहाँ पे। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे 36,540 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा फॉर ए टारगेट ऑफ 36,720 फॉलोड बाई 37,000। अगर हम यहाँ पे बीट जोन की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है दोस्तों उसको 36,190 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा दोस्तों फॉर ए टारगेट ऑफ 36,010 फॉलोड बाई 35,710। दोस्तों दोस्तों अगर हम हमारे अर्ली साइंस वाले ग्राफ को देख पाते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना हुआ तो यहाँ पे उसको होना क्या चाहिए, ये जो बेरिश ट्रेंड थे दोस्तों वो नीचे की तरफ ड्रॉप होनी चाहिए। लगभग हमने उसको यहाँ पे आसपास उसको डिस्कस किया था दोस्तों, बट हम यहाँ पे देख पाते दोस्तों वापस यहाँ पे बेरिश ने वीकनेस ने दोस्तों अपनी स्ट्रेंथ पकड़ ली। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वीकनेस जो है दोस्तों वो स्ट्रेंथ से यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है दोस्तों तो इस वीकनेस को नीचे ड्रॉप होना होगा दोस्तों, और ये जो स्ट्रेंथ वाली लाइन है दोस्तों इसको ऊपर जाना होगा, तभी मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है दोस्तों। दोस्तों अभी हमने एक रिसेंटली हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, ये चैनल को ज्वाइन करना एकदम फ्री है दोस्तों। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको इस वाले इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए दोस्तों, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप चाहो आप उस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस इंडिकेटर के लिए आपको पेमेंट कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको इंडिकेटर का एक्सेस विद इन 12 आवर्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ये तो था मेरा पर्सनल एनालिसिस, आपका व्यू क्या कहता है दोस्तों पीछे देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।